आप प्राचीन रसिकों की भजन भावना का अगर उनकी वाणी के माध्यम से दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि दो वस्तुओं में, दो भावों में उनकी निष्ठा सर्वोपरि रही है, दृढ़ रही है। एक तो श्री यमुना जी का किनारा, ये ना छूटे। मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि मेरा वृंदावन से संबंध हुआ है, इसका लक्षण क्या है। एक तो युगल की सेवा की अभिलाषा, ये हृदय में स्फुरित हो, और दूसरा वृंदावन की रज के प्रति अनन्य निष्ठा हो। श्री ब्रज की रज ना ही तजे मोहे, हो न तजो करुआ को पानी। रज की अनन्य निष्ठा, क्योंकि रजसो रज ही पिछाट ले, रजसो रसिक कहाए। रज की अनन्य निष्ठा, रसिकों की वाणी में इसका दर्शन होता है भाई। एक तो श्री यमुना जी का किनारा और वृंदावन की रज की निष्ठा। रज रानी की गोद में बैठकर ही तो रसिकों ने भजन किया है। ये तो भाई आज दृश्य और हो गया, सोने चांदी के आसन पर बैठकर भजन होता है, अब खबर नहीं होता है कि नहीं, पर नहीं होता है। वृंदावन का जो रस है वो तो वृंदावन की रज ही प्रदान करती है। रज रानी ही रस रानी से मिलाती है, ये जो रज है। इसीलिए भोली सखी कहती है, भोरी एक एक रज कण ऊपर, भोरी एक एक रज कण ऊपर, मारे प्राण करो जगो। और यमुना तट पर इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर रात बिताने का प्रसाद क्या है। माने ऐसा नहीं करती है बोली सकी कि यमुना तट पर रात बिताने के बाद सुबह जाकर सो जाती है। भोर होते ही रे मन नवल निकुंज की, सुमिर सोहनी प्रा, लपटी प्यारी चरण रज लसत सहचरी हा। सबसे पहले भोर हुई, श्री यमुना तट पर आकुल व्याकुल होकर रात बिताने के पश्चात भोली सखी अपने मन से क्या कहती है, रे मन नवल निकुंज की, सुमिर सोहनी प्रा। मन को किसका भजन करना है? वो सोहनी तो सहचरी के हाथ में शोभायमान है। लपटी प्यारी चरण रज लसत सहचरी हा, क्योंकि रज से लिपटने का अवसर तो बोली सकी कहती है भाई सोहनी को ही मिलता है। महाप्रभु भी ये बात कहते हैं, सुधा निधि में प्रवेश करने से पहले ही, रस में प्रवेश करने से पहले ही महाप्रभु कहते हैं ना, कदा कुंज भवनांगण मार्जनी स्या। श्री हरिलाल व्यास जी ने तो रसकुल्या में कहा है कि एक स्थान पर यह भी अर्थ दिया है विद्वानों ने कि कब स्वामिनी मैं आपके निकुंज में सोहनी देने वाली होंगी, और कहीं कहीं भावुकों ने यह भी कहा है कि कब आपकी निकुंज की सोहनी हो जाऊंगी मैं। तो यमुना तट पर रात बिताने के प्रसाद स्वरूप यह सुंदर भाव भोली सखी को प्राप्त होता है
रे मन नवल निकुंज की सुमिर सोहनी लपटी प्यारी चरण रज लसत सहचरी अहो सोहनी सोहनी यह मति मोको दे अहो सोहनी सोहनी यह मति मोको दे अति अधीनता दीनता अति अधीनता दीनता पद रज सो नितने पद रजने और उस सोहनी से याचना क्या करते हैं अति अधीनता दीनता। अच्छा देखो सोहनी कैसी है सदा झुकी रहती है ना सदा रज के स्पर्श से युक्त रहती है तो भोली सखी कहती है कि ऐसी भावना जैसी जैसी सोहनी है ना ये अति अधीनता दीनता और पद रज सोनित ने पर आशा क्या है तो समान कब सहचरी मोह को अपना तो समान को सहचरी मोह को अपना अर्थात कब तेरे समान यहां बोली सखी यही कह रही है कब मैं नवल निकुंज की सोनी हो जाऊं और कोई सखी मुझे अपने हाथ में उठा ले तो समान कब सहचरी मोह को अपना नवनिकुंज रति माधुरी प्रात सुनावेगा। अच्छा सहचरियों की प्रातः काल की सेवा क्या है सहचरियां कुंज भवन के आंगन में गान करती हैं श्री युगल की लीला का गान करते करते और फिर सोहनी सेवा संपादित करती हैं। गान करते करते ही कुंज के शुक पिक से पूछती हैं पढ़ रही मैं ना कछु राधा को जस तू शुक बरन मोहन रस वहां के शुक पिक से पूछती हैं क्योंकि तुमने तो उस लीला का दर्शन किया है उस रूप रस का पान किया है कुछ हमें सुनाओ। और इस प्रकार युगल का वो रस विलास गान करती हुई हाथ में सोहनी लिए और उस कुंज भवन के आंगन को झाड़ती हैं बुहारती हैं और भोली सखी ये याचना करती है ये अभिलाषा करती है कि कब सहचरी मुझे हाथ में लेकर वो कुंज भवन की वो रज झाड़े और मैं वो सहचरियों के मुख से उद्गलित वो युगल का वो रस विलास श्रवण करके धन्य हो जाऊं निहाल हो जाऊं। बिरमी बिरमी हा सोहनी देख प्रिया पद अंक प्रियतम मन अटक्यों जहां मेटक तिन्हें निसंग। आप देखो भाव कहां तक ले जाता है कहां तक भोली सखी दर्शन कर रही है और ये अभिलाषा करते करते भोली सखी सोहनी से बात करने लगती है और कहती है अरे सोहनी देख तो बिरम बिरम हा सोहनी अरे रुक सहचरी कुंज भवन में सोहनी सेवा कर रही है और भोली सखी उस सोहनी से कहती है कि अरे रुक तो ये प्रियाजू के जो चरण चिन्ह है जिन पर श्री लाल जी का मन अटका रहता है जिस पर श्री लाल जी न्योछावर रहते हैं अरे तो कुंज भवन के आंगन के साथ साथ उन चरण चिन्हों को भी मिटाती जा रही है मेटत तिने निसंक। श्री प्यारी पद रेणु में उमगत लोटत ला होली सखी कहती है वारी सोनी तेरा सौभाग्य तेरे भाग्य की बात कौन कहे श्री प्यारी पद रेणु में ये वो रज है जिसमें उमगत लोटत लाल और उमगत लोटत लाल क्यों ठाकुर जी को तो जब मौका मिला तो रज खा भी ली
रज नहीं है, रस है। और श्री ठाकुर जी ने कहा भाई रस को तो चखना ही चाहिए। श्री प्यारी पद रेणु में उमगत लोटत ला। अरे ये वो रेणु है, इसमें लाल जी लुंठित होते हैं और केवल लुंठित नहीं होते। कोमल कर चुटकीन ले तिलक बनावत भार। और अपने सुकोमल कर कमलों में, लाल जी अपने सुकोमल कर कमलों में चुटकी लेकर और फिर इस रज से अपने मस्तक पर तिलक करते हैं। तभी श्री महाप्रभु जी ने विठल दास जी को जब पत्र लिखा तो वृंदावन की रज को श्याम वंदिनी कहा। श्याम सुंदर जिसकी वंदना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं। कण कण में जा रेणु के बसत लाल के प्राण। कुछ पंक्तियां तो आपको गानी चाहिए। कण कण में जा रेणु के बसत लाल के प्राण। इसके कण कण में लाल जी के प्राण बसते हैं। पूर्व भी हमने चर्चा की थी भाई, इसीलिए व्यास जी ने गाया जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। कहीं त्रिलोकी में, तीन लोक 14 भुवन में श्री वृंदावन धाम के अतिरिक्त कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर श्री प्रियालाल के श्री चरण कमल बिना किसी आवरण के सीधे सीधे पड़ते हैं। श्री जी के चरण कमल, श्री राधा के चरण कमल। देखो भाई, ठाकुर जी का प्रागट्य तो अन्यत्र भी हुआ है, पर आप कभी भी जब रज की बात सुनेंगे ना तो ब्रज की ही बात सुनेंगे। ब्रज रज की महिमा है, वृंदावन रज की महिमा है। कारण श्री प्रियाजू के चरण कमल इस पर पड़ते हैं और बिना किसी आवरण के पड़ते हैं, सीधे पड़ते हैं। और श्री जी के चरण कमल कैसे हैं? परम कोमल सुखद शीतल कमल कैसे बरन, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरण, क्वणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करण। महाप्रभु कहते हैं, दिखाते हैं कि हे स्वामिनी, आपके चरण कमलों से कोई प्रेमामृत अगाध अबाध अनवरत प्रवाहित होता है। प्रेम का कोई सिंधु आपके चरणों से सदा ही बहता है, उसका निर्झर सदा ही प्रवाहमान है। वो चरण कमल इस वृंदावन की अवनी पर पढ़ते हैं। उन चरण कमलों के स्पर्श से इस रज का ये सौभाग्य है। श्री प्यारी पद रेणु में उमगत लोटत ला, कोमल कर चुटकीन ले तिलक बनावत। कण कण में जा रेणु के बसत लाल के प्राण। फिर बोली सके कहती है कि अरे इसके एक कणकण में लाल के प्राण बसते हैं। मानो बोली सकी देख रही है, वहां सोहनी रज झाड़ती जा रही है और बोली सकी कह रही है अरे क्या करती है, कणकण में या रेणु के बसत लाल के प्राण। हाय सोहनी ताहे यूं साधारण मत मान। अरे तू इसे साधारण जानती है? किस प्रकार इसे झाड़ती बुहारती ठेलती चल रही है। हाय सोहनी ताहियों साधारण मत मान, अहो सोहनी सोहनी यह ना सोहनी रीत, अहो सोहनी सोहनी यह ना सोहनी रीत। मो प्राणन की प्राण रज तासंग करत अनी, मो प्राणन की प्राण तासंग करत अनी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग नियम से वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण करते हो? चलो अच्छे खासे हैं भाई। हम रसोपासक हैं, अर्थात हम रजोपासक हैं। रज की महिमा है। कण कण में जा रेणु के बसत लाल के प्राण, मो प्राणन की प्राण रज। कण कण पे वारों यहां कोटिन तन मन प्राण,
कण कण पे वर कोटि तन मन प्राण, सूरज दूर न डार तू नेक निहोरो मां, सूरज दूर न डार तू नेक निहोरो मां, अवस झार जो डारी वो यह रज प्राण आधार। और बोली सके कहती है अच्छा यदि तू मेरी बात नहीं सुनती, ये सब संवाद किसके मध्य हो रहा है? बोली सखी और सहचरी के हाथ में शोभायमान उस सोहनी के मध्य। बोली सखी कह रही है अवस झार जो डारवो, अगर झारना आवश्यक है, यह रज प्राण आधार, अगर मेरे प्राणों की आधार इस रज को तुझे झाड़ना आवश्यक है तो झाड़, पर मेरी एक बात तो सुन ले, मेरी एक बात तो मान ले। तो मो तन मन प्राण में ही में जी में डा, यदि तुझे इसे झाड़ना ही है तो झाड़कर इसे यहां वहां मत डाल। कहां डाल? तो मो तन मन प्राण में ही में जी में डा, मेरे हृदय में, मेरे तन मन प्राणों में कुछ ऐसी कृपा मुझ पर कर कि मेरे तन मन प्राण मेरा हृदय मेरा जीए रम जाए इस वृंदावन की रज में, ये वृंदावन रज मेरे रोम रोम में रम जाए, कुछ ऐसी कृपा मुझ पर कर। कोटि विश्व ऐश्वर्य सुख नहीं जो एक कण तू, सूरज तो को खेल है मेरी जीवन मूल। अरे यत् पादाम्बुरुहैक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं, प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की किसके लिए? कि प्रिया जी की चरण रेणु मिल जाए, और रेणु भी कैसी, रेणु कणिका एक कण, पर ब्रह्मा जी को नहीं मिली, नहीं मिली। जब श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया तो ब्रह्मा जी ने यही याचना तो कि आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि ना, कि वृंदावन की कोई तरु लता औषधि हम हो जाएं कि बस वृंदावन की रज हमें मिलती रहे। संजीवन मूल वृंदावन की रज है, रसिकों की जीवन मूल ये वृंदावन की रज है, रेणु है। कोटि विश्व ऐश्वर्य सुख नहीं जो एक कण तू, सूरज तो को खेल है मेरी जीवन। क्यों कहा रसिकों ने कोटि विश्व का ऐश्वर्य सुख भी तुच्छ है, वृंदावन की एक कण की समता तुलना नहीं कर सकता? क्या कारण है? क्योंकि अन्यत्र वैकुंठ पर्यंत ऐश्वर्य है, पर वो रस वो प्रेम जो आत्मा का परम विश्राम है, वो हित जिसमें रच कर बस कर रम कर ये आत्मा रस स्वरूप होता है, वो केवल वृंदावन की रस संपत्ति है, वो केवल यहीं पर प्राप्त होता है। बहुत बार ये बात किसी को पक्षपात लगती है, उनको लगता है कि अपनी बात कह रहे हैं, पर केवल ये अपनी बात नहीं है भाई, ये सच्ची बात है, ऐसा ही है। हरी हर विधि ललकत रहत लहत नहीं कण ए, ताही झारियों फेंकी वो तुहे कौन यह टे। आप घर में सुबह जब झाड़ बुहारी करते हैं तो सब इकट्ठा करके बस ऐसे ही बाहर ले जाकर झाड़ देते हैं ना, ऐसी सहचरी करती है, उसका नित्य का कार्य है, उसे नित्य कुंज भवन आंगन को बुहारना है। और भोली सखी बाहर बैठी बैठी ललचाती है कि हरि हर विधि ललकत रहत, जिस रज की एक कणिका के लिए ब्रह्मा शंकर ललचाते रहते हैं, और
ताही झारियों फेंकी वो, तो है कौन यह तेरे, इतने हूँ पर सोहनी लागो प्यारी मोर। जगह कहती तू बड़ी अनीति कर रही है, जो तू कर रही है वो उचित नहीं है, ये मेरे प्राणों की प्राण जो ये रज है उसे इस प्रकार झाड़ती बुहारती और यत्र तत्र डालती तू चल रही है, पर इतने ऊपर सोहनी लागो प्यारी मोहे, पर इतने पर भी तू मुझे बड़ी प्यारी लगती है, इतने ऊपर सोहनी लागो प्यारी मोहे, अहो कौन यह मोहिनी लेत जो प्राणन मो, मो प्राणन की प्राण रज तासों करत अनी, तदपि सोहनी तो ही में बाढ़त मेरी प्री। तू बड़ी अनीति करती है पर फिर भी नित्य निरंतर मेरी तुझ में प्रीति बढ़ती जा रही है। रसिक सहचरी करण को पायो तूने प्यार, तुझे क्या मिला है, तुझे सहचरी के कर का स्पर्श मिला है। सहचरी जिन कर कमलों से प्रियालाल को दुलराती है, उनका श्रृंगार करती है, उन्हें भोग लगाती है, उनकी आरती करती है, उपटन मज्जन भोग आरती संपादित करती है, उन्हीं कर कमलों में तुझे लेकर वो कुंज भवन का आंगन भी झाड़ती है। आप यहां के पुराने संतों का यदि जीवन देखें तो आप उसमें पाएंगे कि उनके नित्य के क्रम में सोहनी सेवा सदा सम्मिलित रही है। श्री जी के कुंज भवन को झाड़ा बुहारा है उन्होंने अपने हाथ से। इसी प्रकार जब जब सोहनी लगाई जाती है तो पूरा पूरा जो गात है, पूरा जो शरीर है, वो रज में लतपत हो जाता है ना। सोहनी करते करते सोहनी करने वाला भी रजमय हो जाता है। इसीलिए सोहनी की सेवा की है कि एक एक रोम में रज रम जाए। इसीलिए मैंने आपको अभी निवेदन किया कि दो बातें, दो भाव बड़े सुदृढ़ रीति से उज्जवल प्रकाशित दिखाई देते हैं रसिकों की भजन भावना में। एक तो यमुना जी का किनारा नहीं छोड़ा, कालिंदी का कुल नहीं छोड़ा, और दूसरा वृंदावन की रज में अनन्य निष्ठा। ये पहली बात हमें सीखने को मिलती है। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारा वृंदावन से संबंध हुआ कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है, क्या लक्षण है इसका, हमारे जीवन में कौन कौन सा गुण बताएगा कि हमारा वृंदावन से संबंध है। श्री यमुना जी प्यारी लगे, श्री यमुना जी के तट का सेवन हो, दीपक जलाने के लिए जाते हो आप लोग, अपने मन का मनोरथ मान के यमुना जी पे दीपक जलाने जाते हो, श्री यमुना जी को युगल की लीला सुनाकर आया करो, चतुरासी जी का कोई पद यमुना जी को सुनाकर आइए। आपके हजारों दीपकों से तो श्री यमुना जी का जल दूषित ही हो रहा है, जो आप करके आते हो वहां पर पूजा के नाम पर, उससे तो श्री यमुना जी का जल दूषित ही हो रहा है। मैं कुछ बरस पहले की बात है, मैं यमुना जी के किनारे बैठा था तो कोई परिवार आया और कोई व्यक्ति उनको दर्शन करा रहा था, तो उसने कहा कि ये यमुना जी हैं, थोड़ा आचमन कर लो। तो कहने का छी, और जाने क्या क्या उसने कहा। तो मैंने मन में विचार किया कि भाई हमारे आचार्यों ने तो हमें बड़ी सुंदर निर्मल यमुना जी दी थी, ये किया है तो हमने ही किया है, इसका दोषी कोई और नहीं है, हम ही हैं। हर एक बात में मेरा विश्वास है, मैं समझता हूं कि इतना कोई नहीं बिगड़ता जिसे सुधारा ना जा सके, ऐसा कुछ बना नहीं जिसे बिगाड़ा ना जा सके, और इतना कोई नहीं बिगड़ा जिसको सुधारा ना जा सके। एक एक कहने वाला कहता है कि माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कब मना है, कम से कम आप और मैं तो अपना कर्तव्य समझकर ये ऐसा करें। मंदिर जाते हो तो आप माला चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, आते जाते मार्ग में अगर आपको कुछ अवांछित दिखे ना उसको बीनते आया करो। अरे तो सहचरियों की सेवा है, ये तो प्रिया जी के आंगन की सेवा है। और मैं आपको संतों का दर्शन करके बात कह रहा हूं, जिन संतों ने वृंदावन का वास किया, भजन किया, उनके नित्य के भजन क्रम में यह सेवा सदा सम्मिलित रही अपने हाथ से, क्योंकि हमारे आचार्य ने इसकी आज्ञा की है।
राधा सुधा निधि में प्रवेश अर्थात निकुंज की भजन भावना में प्रवेश, रस में प्रवेश। उस रस में प्रवेश करने से पूर्व महाप्रभु कहते हैं कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। हे स्वामिनी, कब मैं ये सेवा करूं, कब मुझे ये सेवा प्राप्त हो। रसिक सहचरी करण को पायो तुमने प्यार, तेही मधमाती चलत हो नीत अनीत विसार। बोली सखी कहती है तभी नीति अनीति का तुम्हें विचार नहीं है ना, क्योंकि तुम सहचरी के हाथ में हो और सहचरी का प्यार तुम्हें मिला है। माने बोली सखी प्रेम भरा ताना दे रही है, जैसे कोई बहुत प्रेम मिलने पर थोड़ा थोड़ा बिगड़ जाता है ना, बहुत प्रेम किसी को मिले तो बिगड़ जाता है कोई, बोले ऐसे ही नीति अनीति का आप तुम्हें कुछ विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि सहचरी के कर कमल में हो और सहचरी बड़े प्रेम से तुम्हें धारण करती है। या ही सो प्यारी लगो जदपि करत विपरीत, छकन छकी रति के निकी सुन सहचरी मुख गीत। अहो सोहनी सोहनी सर्वोपरि यह प्रीत, यह रस मादक है जहां तहां न नीति अनीत। और फिर अंत में कहती हैं प्यारी प्रीतम चरण रज दुर्लभ देहु मिला। बोली सखी कह रही है तेरी इतनी स्तुति मैं केवल इसीलिए कर रही हूं, ये सब कहने का मेरा मनोरथ क्या है। प्यारी प्रीतम चरण रज दुर्लभ देहु मिला, धन्य धन्य तेरे सिक जन तन मन कुंजन आ। अहो सोहनी मम हृदय रहे तो ही लपटा, तुम्हें हाथ ले सोहनी भवन गुहारत गा। अंत में यही अभिलाषा है कि मेरा हृदय इस सोहनी से एकमेक हो जाए, सहचरी जब इसे अपने अपने हाथ में ले तो मैं भी वहीं भाव स्वरूप से विराजमान, मैं भी वहीं प्रियालाल की उस चरण रेणु में स्नान करती, अपने अंग अंग में उस रज को लपटाती और सहचरी के मुख से उद्गलित वो प्रिया और प्रीतम की अत्यंत मधुर लीला का श्रवण करती निहाल होती रहूं, कृतार्थ होती रहूं। तीन चरणन में सोहनी देह प्रीति अति मोर। गाइए। तीन चरणन में सोहनी देह प्रीति अति मोर, हित भोरी यह आस धर दिन दिन सुमिरो तो, हित भोरी यह आस सुमिरो। अब बताइए कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई पंडित प्रवीण विद्वान विद्यावान, वो कहेगा किसका भजन कर रहे हैं, सोहनी का भजन कर रहे हैं। इसीलिए तो ललित किशोरी कहते हैं भाई इस आबरू के मटके को चौरस पे फोड़े, और ये भाई बंधु गुरुजन, अच्छा ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि नहीं, ये भाई बंधु गुरुजन और फिर कहने इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलवर से जुड़े। अब देखो कोई बुद्धि से विचार करे, बोली सखी कहती है कि हित भोरी यह आस धरी दिन दिन सुमिरो तो ही, किसका भजन कर रही है, सोनी का। और आपके शब्दों में मैं कहूं तो किसका भजन हो रहा है, झाड़ू का। बोले झाड़ू का भजन हो रहा है, बोले ना झाड़ू का भजन तो हो रहा है पर झाड़ू कहां की है, झाड़ू निकुंज भवन की है, किसके हाथ में है, प्रिया प्रीतम की अत्यंत प्राण प्रिय सहचरी के हाथ में है, उसको मिलता क्या है। हरिहर विधि ललकत रहत, जिस चरण रेणु को ब्रह्मा शंकर लालायित रहते हैं पर प्राप्त नहीं करते, वो चरण रेणु उस सोहनी से लिपटी है, इसीलिए उस सोहनी का भजन करते हैं। ध्रुवदास जी ने तो कहा ना
जिही देश प्रीतम बसे प्यारी लागे पौ। अरे जिस देश में प्रीतम रहता हो वहां से आती तो हवा भी अच्छी लगती है। अरे एक और बात, ये तो चलो विनोद की बात है, पर सत्य यही है भाई कि उस रस देश की प्रत्येक वस्तु रस स्वरूप ही है, वहां कुछ और नहीं है, किसी अन्य भाव का प्रवेश नहीं है, किसी अन्य वृत्ति का प्रवेश नहीं है, वहां जो कुछ है वहां रस ही है, हित ही है, प्रेम ही है। इसलिए जहां से चर्चा में प्रविष्ट हुए हम इस देह से नहीं जा सकते हैं भाई, वहां ये मन मार जीवाइये जीवत ना आवे काज। बड़ी पते की बात नागरी दास जी कहते हैं, कभी अवसर मिला तो हम नागरी दास जी की वाणी की चर्चा भी अवश्य करेंगे, भजन भावना को सुदृढ़ बनाने वाली वाणी है। श्री नागरी दास जी कहते हैं ये मन मार जीवाइये, बोले ये जो अभी संसार में लगा हुआ मन है ये भजन के काम का नहीं है। तो भाई बुद्धि नहीं लगाना, ये तो प्रेम का देश है, प्रेम की बात है, ये प्रेम की बात है। और यहां भोली सखी कहती है हित भोरी यह आस धर दिन दिन सुमिरो तो ही। और ये वस्तुतः सोनी का भजन नहीं है, ये वस्तुतः वृंदावन की रज से प्रेम है, ये वृंदावन की रज का अनुराग है, ये वृंदावन की रज से निष्कपट प्रीति है, ये वृंदावन की रज में अनन्य निष्ठा की वांछा है, लालसा है। क्योंकि मैंने आपको निवेदन किया ना, महाप्रभु वृंदावन की रज को क्या कहकर संबोधित करते हैं, श्याम वंदिनी, अर्थात श्याम सुंदर जिसकी वंदना करते हैं, ये वो वृंदावन की रज है। और जिन लोगों के हाथ आज नीचे थे कल न रहे, वृंदावन की रज जरूर आपके मस्तक पर धारण। ये तो भाई हमारा धर्म है, ये हमारा कृत कर्तव्य है, ये तो हमारी उपासना है, बड़े गर्व से धारण करिए। ये वृंदावन की रज है, वो रज है जो रज शिव सनकादिक जांचत। और फिर ये रज प्रिया और लाल के चरणारविंद का प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। पर वृंदावन की रज क्या है, वृंदावन की रज तो रस है, वृंदावन की रज तो प्रेम है। इसे यहां मस्तक पर धारण करने से जीवन में प्रेम की ही अभिवृद्धि होती है, प्रेम का भाव ही जागृत होता है। और मैं कोई आपको कोरी भावना की बात नहीं करी, तो एक वैज्ञानिक तथ्य है, कुमकुम का तिलक वो अलग भाव जागृत करता है, चंदन का तिलक वो अलग भाव जागृत करता है, चंदन केसर जब मिलाकर लगाया जाता है तो उससे एक अलग भावना जागृत की जाती है। वृंदावन के रज को धारण करने से ये क्या है, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। और रहस्य की बात भी आपको चलो बता देता हूं, आप अपने ही लोग हो, महाप्रभु कह रहे ये रज क्या है, वशीकरण चूर्ण है, अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। और किसको वशीकरण किसको वश में करती है ये रज, श्याम सुंदर को वश में करती है। इसी को अपने मस्तक पर धारण करके गोपियों ने प्रियतम से प्रेम प्रसाद पाया। तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरण, तो श्री जी के चरणारविंद का और उनके श्री चरणों से संस्पृक्त इस वृंदावन रज का भाव से स्मरण करते हुए, भाव से अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए आज की भावना श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। और कल देखते हैं भोली सखी क्या दर्शन कराती है, श्री लाडली लाल के पावन कोमल चरणों में ये भाव निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।